अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.8 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ इनफिनिट सीरीज। अब बच्चों, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वहां पर हमें कहा जा रहा था कि आपने सम फाइंड करना है कुछ टर्म्स का, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आपने सम फाइंड करना है इनफिनिट टर्म्स का। ठीक है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना। अब हमें कोई यहाँ नहीं कह रहा कि आपने पहले 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है, आपने पहली 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है या पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। यहाँ पे है पूरी जो सीरीज है उसी का सम फाइंड करना है। तो बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए बच्चे इसको यूज करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और आर्गुमेंट। बच्चों ए वन की बात करें तो यहाँ पे ए वन है हमारे पास सेकेंड टर्म को फोर्थ पे डिवाइड कर दें। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। अब यदि ये लेस देन 1 है तो हम ये सीरीज अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन है। फॉर्मूला पुट करेंगे तो आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह आएगा 1/2। ऐसे ही बच्चों इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 करेंगे ऐसे लेंगे तो आएगा 1/2। 1/2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 एंड हो गया। इसी तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लिया। क्लियर बच्चों? वो होगा होमवर्क, सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। आपने वर्ग फ्रैक्शन को फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 1.34, तो सात बच्चे उसके डॉट्स बनेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ इन दोनों को 1 के साथ सेपरेट करेंगे, यानी लिखेंगे 1.34 डबल डॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.34 डबल डॉट। क्लियर है बच्चों? हमने क्या किया, हमने 1 को सेपरेट किया और 0.34 को अलग अलग रख दिया। अब देखिए पूरे के डॉट को शो करें, ये शो करें कि 3/4 बार बार अकर हो रहा है, सिर्फ यही दो वैल्यूज बार बार अकर हो रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1.0.34 अप टू सो ऑन। क्लियर? क्योंकि 3/4 के ऊपर दो डॉट्स है, जिसका मतलब है कि ये वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको भी सेपरेट कर लेंगे। किस फॉर्म में? यह आएगा 1.0.34, पहले हमने 0.34 को अलग किया, अब हम इसको अलग करना चाहते हैं, यह आएगा 0.0034। अब देखिए 3 को लिखा हमने और कितनी टर्म से कम हो गया है, 0.00 के बाद कर दिया हमने 3/4। इस तरह बच्चों इसको करना चाह रहे हैं, 0.34 आ गया, कितनी टर्म से बाद आया, 1, 2, 3, 4, 0 लगा देंगे। फिर बच्चों इसके बाद आएगा 1 प्लस, जब बच्चों हम कॉमा हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, उस कॉमा के नीचे आता है 1 और जितने आगे नंबर थे उतने 0 आते हैं। तो हम यही काम करने लगे, ये आएगा 34/100 प्लस 34/100, कॉमा के नीचे क्या आएगा, डॉटेड आएगा 1, 1, 2, 3, 4, 4, 0 आएगा।
यहां पॉइंट बैंक आएगा वन वन टू थ्री फोर, यहां पे कितने जीरो बनाएंगे बच्चों, यहां पे यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो हम यहां पे छह जीरो डाल देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर है बच्चों, दस अप टू सो ऑन। अब बच्चे यहां पे देखिए कि 34 और 100 कॉमन आ रहा है, अगले स्टेप में हम क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, जाएगा 1 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 100, यहां से कॉमन लेंगे आएगा 1, यहां से कॉमन लेंगे आएगा 100, आगे कॉमन लेंगे तो आएगा 1 और 1 0 0 0 4 0 आ गया, क्लियर है, प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, हमने क्या किया, हमने 4 0 से लगा लिया, क्लियर है बच्चों, हमने कॉमन लिया। अब ये चीज तो इजीली सॉल्व हो जाएगी, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इनफिनिट सीरीज की फाइनल वैल्यू, ठीक है, इस पार्ट में तो देखिए मुझे ये कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास फॉर्मूला है एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ऐसे ही बच्चों, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहां पे वन, आर कैसे फाइंड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, वन ओवर हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन, क्या आएगा वन ओवर हंड्रेड, अब ये भी कुछ लेस देन वन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए वन की जगह आएगा वन डिवाइडेड बाय आर की जगह आएगा वन माइनस वन ओवर हंड्रेड, क्लियर है बच्चों, इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके लिए ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा वन ओवर वन माइनस वन हंड्रेड के लिए तो आएगा 99 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर है बच्चों, अब इसको हम पुट कर देते हैं हमारी उसी ब्रेन तक जहां पर हमने इसको सॉल्व किया था, हमने किया था 1.34, ठीक है, इसको मजीद कर लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, यहां तक ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आएगा 1 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 100, और ब्रैकेट वाले को हमने सॉल्व किया इस फॉर्मूले से, तो हमारे पास क्या है, क्या है 100 डिवाइडेड बाय 99, ये इससे कैंसिल हो गया, यह आएगा 1 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 99, तो बच्चों जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 99 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 99, तो आंसर आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 99, तो यहां हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी तरह आप इसको लिखना चाह रहे हैं, इसको बल्कि लिख लिया हम, अब इसको लिखना चाह रहे हैं, तो आएगा 0.007 प्लस अप टू सो ऑन, इसका पॉइंट किधर आएगा वन, आगे एक नंबर है दूसरे जीरो, ठीक है, यह आएगा 7 डिवाइडेड बाय 10, इसी तरह आप जो इसको करेंगे तो आएगा 7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस अप टू सो ऑन, अब बच्चों यहां पे कॉमन आ रहा है 7 ओवर 10, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 100 प्लस अप टू सो ऑन, अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे नाम भी देखते हैं हमारे पास, अब यहां पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो बच्चों वो है 1, आर कैसे निकालेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर 10, ऐसे ही बच्चों फॉर्मूला है एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ए वन की जगह आएगा 1 और आर की जगह बच्चों क्या आएगा 1 ओवर 10, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1
which is equal to 1 over 9 over 10. इसको सॉल्व करके उल्टा करेंगे तो 10 over 9 आ जाएगा. इसको पुट करके तो हमारे पास आएगा 0.7 का डॉट इज इक्वल टू 7 over 10 into सॉल्व कर लेंगे. तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़.